गाइज वेलकम टू अंकिता व्लॉग्स। आज हम बना रहे हैं गेहूं के आटे से चॉकलेट कपकेक। इसके साथ हम इसकी फ्रॉस्टिंग बनाएंगे, वो भी बहुत आसान है और ये कपकेक भी बहुत आसान है। तो बिना देर गवाए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। उसके अंदर हम एक स्टैंड रखेंगे और उसे ढककर गरम होने रख देंगे, क्योंकि हम जो कपकेक बनाने वाले हैं हम इसी के अंदर बेक करने वाले हैं। अगर इस तरह की कढ़ाई आपके पास नहीं है तो आप प्रेशर कुकर का यूज़ कर सकते हैं। प्रेशर कुकर की बस विसल आप याद से निकाल दीजिए। इसे गरम होने में करीब 15 से 20 मिनट लगेंगे। इससे ये होगा कि एक सही टेम्परेचर बन जाएगा ताकि हम कपकेक बेक कर सकें। जब तक ये गर्म होगी, सही टेम्परेचर सेट होगा, तब तक हम बैटर रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से 15 से 20 मिनट पहले इसे रखकर उसके बाद ही आप बैटर तैयार कीजिए, ताकि तब तक ना ये एकदम सेट हो जाए और जैसे ही आपका बैटर बने आप उसे इसमें रख दें। 5 मिनट बाद, जब अभी जैसे मैंने रखा है 5 मिनट बाद, आप इसके अंदर एक प्लेट रख दीजिएगा स्टील की, ताकि वो भी प्रॉपर गर्म हो जाए जिसके ऊपर हम अपने कपकेक रखने वाले हैं। ये कपकेक के केस में अगर आप नॉर्मल केक बना रहे हैं तो आपको प्लेट रखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट इसी के ऊपर मोल्ड रख सकते हैं। जब तक हमारी कढ़ाई उधर गर्म हो रही है हम बैटर रेडी कर रहे हैं। सबसे पहले मैं एक बोल लूँगी, उस बोल के अंदर सारी सूखी चीज़ें मिला लूँगी। यहाँ मैंने 1/2 कप गेहूं का आटा लिया है। ये गेहूं का आटा है, मैदा नहीं है, सो इस बात का ध्यान रखें। 1/2 कप मैंने गेहूं का आटा लिया है। उसके बाद मैंने यह 1.5 टेबल स्पून कोको पाउडर लिया है। आप स्वीटेड अनस्वीटेड आपके हिसाब से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर लिया है। यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर डालने से होगा कि थोड़ा सा ये फूलेगा और सही रहेगा, तो आप बेकिंग पाउडर डालिए। उसके बाद आप इसमें डालिए 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और ये चारों जो हैं जो हमारे सूखे इंग्रेडिएंट हैं वो एक साथ मिल गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इनको अच्छी तरह से मिला लूँगी और ये इसे जो ये सूखे इंग्रेडिएंट हैं साइड में रख दूँगी। अब मैं एक दूसरा बड़ा बर्तन लूँगी और अच्छा जो थोड़ा सा चौड़ा हो, क्योंकि हम सारे इंग्रेडिएंट फिर इसी में मिलाएंगे, और दूसरी चीज़ें मिलाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ मैंने 1/2 कप शक्कर ली। अगर आप अनस्वीटेड कोको यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सी शक्कर और डाल सकते हैं, और 1/4 कप घी यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पर। घी, आपने सही सुना, घी जो एकदम प्रॉपर इसे मॉइस्ट देगा, तो घी यूज़ कीजिए। और उसके बाद मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ वनीला एसेंस। ये 1 टीस्पून वनीला एसेंस मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस है तो और अच्छी बात है, वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून दही। नॉर्मल दही आप जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं वो दही है, फेट की यूज़ नहीं करना है, नॉर्मल जो एकदम कड़क दही होता है वो यूज़ करना है। तो 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर दही डाला है इसके अंदर। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसके अंदर कुछ चीज़ें और मिलानी है, जैसे कि इसके अंदर हम डालने वाले हैं 1/2 कप वाटर यानी पानी। पानी बिल्कुल बहुत कम हम सुनते हैं कि केक में पानी डालना, लेकिन इसमें हमें पानी डालना है क्योंकि गेहूं के आटे से हम इसे बना रहे हैं। नॉर्मल मैदे में आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये आपको पड़ेगी ज़रूरत। और इसे हाथ से अच्छी तरह से व्हिस्क कर लीजिए। आप चाहे, आपके अगर पास हैंड ब्लेंडर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। अब हम इसमें जो हमने सारे सूखे इंग्रेडिएंट तैयार किए थे वो हम इसके अंदर मिलाएंगे। इसके अंदर जब हम ये सूखे इंग्रेडिएंट मिलाएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की गुठलियाँ ना आए, यानी कि हम जैसे मिलाएंगे तो हमें फटाफट उसे अच्छी तेज़ी से मैश करना है, मिलाना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि किसी भी तरह की गुठलियाँ ना आए और हमारा जो केक है उसका जो बैटर है वो एकदम बढ़िया तैयार हो, एकदम नॉर्मल तैयार हो। तो उसे अच्छी तरह से मिलाते रहिए कंटिन्यू। जितना ज़्यादा आप मिलाएंगे उतना अच्छा आपका बैटर बन के तैयार होगा। कपकेक का जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी है और मैंने यहाँ पर मोल्ड ले लिए हैं कपकेक के। मैंने इसको घी से अच्छी तरह से कोट कर लिया है ताकि अंदर ये चिपके ना बैटर इसके, और एकदम सही प्रॉपर बने। और दूसरी बात आपको जो यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि आप इसे पूरा ना भरें, इसे थोड़ा सा खाली रहने दें, क्योंकि जब कपकेक फूलेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा बाहर आ जाएंगे। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप इसे आधे से थोड़ा ज़्यादा भरें, और ताकि एकदम ना प्रॉपर रहे, सही रहे।
इधर जो है हमारी जो कढ़ाई है वो भी एकदम रेडी है कि हम इसके अंदर जो कपकेक के मोल्ड है उन्हें रख दें। तो 15 मिनट हमें लगे करीब, तो 15 मिनट में एकदम प्रॉपर इसका जो टेम्परेचर है वो सेट हो चुका है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर मोल्ड, इन मोल्ड्स को थोड़ा दूर दूर रखें, बहुत पास ना रखें। इसके साथ इन्हें होने में करीब 35 से 40 मिनट लगेंगे, तब तक हम हमारी जो फ्रॉस्टिंग है वो रेडी कर लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर होने देंगे। फ्रॉस्टिंग रेडी करने के लिए सबसे पहले हम फिर एक थोड़ा सा चौड़ा बर्तन लेंगे और उसमें 2.5 कप शुगर डालने वाले हैं, यानी करीब 2.5 कप शुगर मैंने यहाँ पर डाली है इसके अंदर। सो हम सबसे पहले इसके अंदर शुगर पाउडर डाल लेंगे और उसके बाद में हम इसके अंदर डालने वाले हैं 2-3 कप कोको पाउडर। कोको पाउडर स्वीटेड अनस्वीटेड दोनों चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की। अब इसके अंदर हमें डालना है दूध, फुल फैट दूध, फुल फैट यानी जिसमें फुल क्रीम जो दूध होता है वो 1/2 कप दूध आपको इसके अंदर डालना है। और इसके साथ आपको इसके अंदर एक चीज़ और डालना है और वो है बटर। बटर भी आपको सॉल्टेड अनसॉल्टेड कैसा भी चल सकता है। मैंने इसे यहाँ पर मेल्टेड 1/2 कप बटर डाला है और अब मैं इसे अच्छी तरह मिला लूँगी। मैंने क्या किया है, एक बार इसे मिलाने के बाद मिक्सर में सिर्फ थोड़ी सी देर ना मैंने इसे चला लिया है, तो अगर आप चाहें तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, इसे मिक्सर में भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ करीब 15 से 20 सेकंड के लिए इसे चलाना है, उससे ज़्यादा नहीं चलाना है। देखिए अभी मैंने इसे मिक्सर में एक बार घुमाने के बाद चला लिया था, तो इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। अब मैं क्या करूँगी, इसे करीब ना 1/2 से 1.25 घंटे के लिए फ्रिज में रखूँगी। इधर हमारे जो कपकेक हैं वो भी रेडी हो गए हैं और इन्हें बेक होने में करीब 35 मिनट लगे हैं, 35 से 40 मिनट के बीच हो जाते हैं, तो आप ना 30 मिनट के बाद थोड़ा ज़्यादा उन्हें बार बार चेक करना स्टार्ट कीजिएगा। सो ये हो गए हैं, तो अब मैं क्या करूँगी, इन्हें थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। ये देखिए 1/2 घंटे बाद हमारी ये जो फ्रॉस्टिंग है ये भी बढ़िया हो गई। ये देखिए किस तरह से थोड़ी सी कड़क हो गई है क्योंकि हमने इसे फ्रिज में रखी थी। और कपकेक जो हमारे हैं वो जब ठंडे हो जाएंगे तो अब हम इनके ऊपर ये जो हमारी फ्रॉस्टिंग है ये हमें लगानी है। तो ये देखिए ये मेरी फ्रॉस्टिंग हो गई और ये कपकेक हो गए जो कि एकदम ठंडे हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर इन्हें ना आप चाहें तो इस तरह के कागज़ के यूज़ कर सकते हैं और मोल्ड में से निकाल के इसके अंदर रख कर भी फिर फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं, और अगर ये नहीं है ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मैंने यह डायरेक्ट मोल्ड के में ही कर दिए ताकि ये थोड़ा सा अच्छा दिखे। देखिए कितने सॉफ्ट और जो बेस है वो कितना प्लेन बना है। तो अगर आप प्रॉपर बेक करेंगे ना सिंपल इस रेसिपी से तो एकदम बढ़िया आपके कपकेक बनेंगे। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर फ्रॉस्टिंग करने के लिए ये इस तरह की जो थैलियाँ ये और ये नोजल यूज़ कर रही हूँ। ये थैलियाँ आपको ऑनलाइन 100 रुपये की करीब ना 60 या 70 थैलियाँ मिल जाएंगी, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो अपनी जो दूध की थैलियाँ आती है ना जिसमें हमारे यहाँ दूध आता है पैकेट में, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, या आप अपन जैसे मेहंदी के कोण बनाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर फ्रॉस्टिंग डाल दी है और कोण बना के, और अब मैं जो हमारे कपकेक है उनके ऊपर फ्रॉस्टिंग करते जा रही हूँ। कुछ भी नहीं, नॉर्मल आपको एक राउंड शेप लेना है 3 बार और आपकी इस तरह की फ्रॉस्टिंग हो जाएगी। अगर आप बहुत अच्छे हैं डिज़ाइन में तो आप कुछ और अच्छी डिज़ाइन भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की डिज़ाइन बन गई है और इसके साथ में ना ये थोड़ा सा फीका फीका लग रहा है अभी भी, तो थोड़ा सा दिखने के लिए बन गए एकदम प्रॉपर रेडी हैं, पर मैं यहाँ थोड़ा और सुंदर दिखने के लिए इसके ऊपर से थोड़ी सी चोको चिप्स डाल रही हूँ। ये भी आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएंगी, अगर आपको मार्केट में नहीं भी मिलती हैं तो आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगी। इसके साथ में यहाँ मैं थोड़ी सी चॉकलेट स्प्रिंकल्स डाल रही हूँ, तो थोड़ा सा ये ज़्यादा कलरफुल हो जाएगा, तो ये भी मैंने थोड़े से इसके अंदर डाल दिए हैं। और ये एकदम आसान है, कोई आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आप नॉर्मली कुछ भी बनाने के लिए आपको आसानी से सारी चीज़ें मिल जाएंगी मार्केट में, तो आप इन्हें घर पे ज़रूर बनाइए और ट्राई कीजिए। एंड इट्स रेडी।